हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज हम थ्री वर्ड्स, जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, एंड और बट, इन तीनों का यूज सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स वर्ड फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टूगेदर। यानी कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। तो अभी छोटे बच्चों के लिए हम इतना ही देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और बहुत बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय और बार बार कोई चीज रिपीट करने की बजाय उसको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एंड का यूज सीखेंगे कि एंड हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब भी आपके पास सिमिलर आइडियाज होते हैं किसी चीज को लेके, या जैसे सेम ऑप्शन है आपके पास खाने को लेके, सेम ऑप्शन है, या फिर किसी कलर को लेके कोई सेम ऑप्शन है, या किसी गेम को लेके सेम ऑप्शन है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक डांसिंग। यानी मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे स्विमिंग भी पसंद है और मुझे डांसिंग भी पसंद है। तो बार बार आई लाइक लिखने की बजाय उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग। तो अब हमारा सेंटेंस अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज्यादा हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। और हमने यहाँ पे कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करा है? एंड का यूज करा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन कैन प्ले फुटबॉल, जॉन कैन प्ले बैडमिंटन। यानी यहाँ पे एक ही जने की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, जॉन की बात हो रही है। जॉन जो है फुटबॉल भी खेल सकता है और जॉन बैडमिंटन भी खेल सकता है। यानी एक ही टाइप के गेम्स की बात हो रही है। किस टाइप की? जैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे अगर फूड की बात करते हैं तो दोनों सेंटेंस में सिर्फ फूड की ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में फूड की बात हो रही है और एक सेंटेंस में गेम की बात हो रही है, तो वहां पे हम एंड यूज करेंगे, वहां पर नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे दोनों कैटेगरी क्या है? फुटबॉल और बैडमिंटन गेम की ही कैटेगरी है, तो यहाँ पर हम एंड यूज करेंगे। तो जॉन कैन प्ले फुटबॉल, जॉन कैन प्ले बैडमिंटन, बार बार ये लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? जॉन कैन प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन। अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के कि हम यहाँ पर एंड का यूज क्यों कर रहे हैं। जब हम बट वाले सेंटेंस करेंगे तब मैं आपको और क्लियर करूंगी ये वाली बात कि मैंने ऐसा क्यों बोला आपको कि एक ही कैटेगरी है तो हमने एंड का यूज करना है। रिया बॉट सम फ्रूट्स, रिया बॉट सम वेजिटेबल्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रिया बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिया कुछ खरीद के लाई है, ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स खरीद के लाई है, कुछ वेजिटेबल्स खरीद के लाई है। यानी यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है, उसने कुछ कोई चीज वहां पे खरीदी है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदे हैं। फ्रूट्स एंड टॉयज भी हो सकता था, अब आप कहेंगे तो दोनों अलग अलग कैटेगरी हो गई। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमें बात कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि खरीदने के लिए बात कर रहे हैं कि रिया मार्केट से क्या क्या खरीद के लाई है। तो आप जैसे एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये सामान खरीद के लाए हैं हम, तो वहां पे हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद फिर एंड यूज करते हैं। सपोज मैं पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बुक्स, ये सब खरीद के लाई हूं, तो मैं क्या लिखूंगी? आई बॉट पेंसिल, कॉमा, इरेजर, कॉमा, शार्पनर एंड बुक्स। ठीक है, इस तरह से एंड का हमें यूज करना है। अब आता है यूज ऑफ और का यूज कहाँ पर होता है? वी यूज और टू शो अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजों को लेके चॉइस होगी, वहां पर हम और का यूज करेंगे। एंड के टाइम पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट और हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास कोई चॉइस होगी दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजों में। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी,
और सेकंड सेंटेंस है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, उनमें से आपको एक ही आंसर करना होगा, जैसे कि आपको या तो चाय पीनी है या फिर आपको कॉफी पीनी है। एक टाइम पे आप एक ही चीज पी सकते हैं, या तो चाय पियेंगे या फिर कॉफी पियेंगे। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस हो गई टी एंड कॉफी के बीच में। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी। जब आपको क्या करना है, दो चीजों में चॉइस दी जाएगी तो उन दोनों वर्ड्स के बीच में और यूज करना है। इज दैट डॉग अलाइव और डेड, यानी यहाँ पर क्या है, या तो डॉग अभी जिंदा है या फिर डॉग मर चुका है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, इज दैट डॉग अलाइव और डेड, क्योंकि दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो वो अलाइव है या फिर वो डेड है। दोनों चीज तो नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने क्या यूज करा है, और का यूज करा है। यू कैन ईट पिज्जा और बर्गर, यानी आपको सपोज आपकी मम्मी ऑप्शन दे रही है कि आप एक ही चीज खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम एंड का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप दोनों चीज खा सकते हो। यू कैन ईट पिज्जा एंड बर्गर, तो उस टाइम पे आप दोनों चीज खा सकते हो। बट अब यहाँ पे हम और का यूज करा है, तो इसका मतलब आपके पास पिज्जा और बर्गर में से ऑप्शन है, आपको एक ही चीज चूज करनी है खाने के लिए। इट इज मंडे और ट्यूजडे टूडे, तो आज या तो मंडे है या फिर ट्यूजडे है, ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, इज इट मंडे और ट्यूजडे टूडे, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आज मंडे है या फिर ट्यूजडे है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे। दो यहाँ पे चॉइस हो गई मंडे या ट्यूजडे में। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ बट। अब हम बट का यूज कहाँ पर करते हैं, वी यूज बट टू शो अ डिफरेंस और एन अपोजिट आइडिया। किसी चीज, दो चीजों में डिफरेंस बताने के लिए, या दो हमारे पास अलग-अलग आइडियाज हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बट यूज करेंगे। जैसे आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक बनानास, मुझे एप्पल तो पसंद है लेकिन मुझे बनानास पसंद नहीं है। बट को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है लेकिन। जैसे आप कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, हम जनरली घरों में जैसे बोलते हैं, तो जहां पर लेकिन वर्ड यूज होता है उसकी जगह हम इंग्लिश के जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बट। मिशेल रैन फास्ट बट शी फिनिश्ड थर्ड इन द रेस, मिशेल बहुत तेज भागी थी, बहुत तेज दौड़ी थी, लेकिन फिर भी वो थर्ड नंबर पे उसने रेस फिनिश करी। सैम वॉन्ट्स टू प्ले, सैम खेलना चाहता है बट ही इज नॉट वेल, लेकिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सम ट्रीज आर टॉल बट सम ट्रीज आर स्मॉल, कुछ ट्रीज स्मॉल है और लेकिन कुछ ट्रीज क्या है, टॉल है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बट यूज करा है। अब ये वर्कशीट है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए करने का, और देन फिर अपने आंसर मैच कीजिए कि आपने सही करा है या नहीं। इट इज कोल्ड डैश आई वेयर माई हैट एंड मिट्स, क्योंकि बाहर कोल्ड है इसलिए, सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। सो आई वेयर माई हैट एंड माई मिट। आई वॉन्ट केक बट आई एम नॉट अलाउड। नेक्स्ट, आई वुड गो बट इट इज टू फार। आई विल फिनिश माई होमवर्क एंड देन आई कैन प्ले वीडियो गेम्स। वी वॉश्ड द डिशेज एंड वी पुट देम अवे। आई नो मिशेल बट आई डोंट नो हिज ब्रदर। इट विल बी सनी और देयर विल बी नो गेम। आई विल रीड अ बुक और आई विल जस्ट वॉच टीवी। द टीचर इज टॉकिंग सो वी नीड टू लिसन। जॉन गॉट ड्रेस्ड बट ही फॉरगॉट हिज सॉक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय.